सभी साथियों को जय हिंद। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कैसे बॉक्सिंग का स्थान बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको जयपुर पंचेस के बारे में बता चुका हूं, और फिर मैं आपको पंचिंग बैग की ट्रेनिंग के बारे में भी बता चुका हूं। आज का लेसन होगा हुक पंचेस के बारे में, हम शुरू करेंगे स्ट्रेट पंचेस बॉडी में, स्ट्रेट पंचेस फेस में हम कंप्लीट कर चुके हैं, पंचिंग बैग की टेक्निक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का पंच रहेगा हुक पंच, कैसे हम हुक पंच को मारेंगे तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ऑनगार्ड पोजीशन करेंगे, उसके बाद जब हम लीड हुक, इसको बोलते हैं लीड हुक, इसको बोलते हैं रियर हुक, जब हम लीड हुक मारेंगे तो उसमें पांच मैटर मैं बताता हूं। पहले इसमें आप करेंगे 1 2 वापस, कहने का मतलब है आपने हल्का सा बॉडी को टर्न करना लेफ्ट साइड में, देन हाथों को गोल घुमा के कोहनी ऊपर पैलर करनी है 90 डिग्री में, नकल पोर्शन यहां लैंड करना है, फेस के सामने पंच को रोकना है, देन वापस अगेन 1 2 पंजों को उठाना है, देन वापस 1 2 वापस। अगर एक साथ मारेंगे तो ऐसे ऐसे, ये साइड में दिखाता हूं आपको, ये करेंगे ऐसे ऐसे, मतलब आपने टर्न करना है, पैर को आगे बढ़ाना है, हाथ को भी मारना है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा कोहनी पे, देन वापस इस साइड दिखाता हूं आपको 1 2 वापस 1 2 वापस 1 2 वापस। तो आपने देखा कि किस तरह हुक मारना है, आपने 1 इसको रोटेशन करना है, 2 में पैर भी आगे बढ़ाना है, हाथ को भी खोलना है, वापस आना है, तो इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको खूब, तब जाके स्मूथ हो पाएगा। और उसके बाद हम मारेंगे रियर हुक, रियर हुक मारने के लिए बॉडी ऑटोमेटिक हम राइट हैंड पीछे रहता है, इसको घूमने के लिए इनफ सरफेस है, हमको वन करने की जरूरत नहीं है, जिसे इसमें टर्न किया था इसमें टर्न की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक टर्न हो जाएगा। आपने गार्ड रखना है राइट हुक, डायरेक्ट आप ऐसे मार सकते हैं, देन वापस आपने पैर को आगे बढ़ाना है, हाथ को उस तरह घुमाना है, अपने फेस के सामने इस तरह पंच को मारना है, देन वापस ऐसे मारना है, इस तरह मारे वापस, इधर की तरफ दिखाता हूं आपको, वापस पंच वापस पंच वापस, इधर की ओर से देखें आप, हुक वापस रियर हुक वापस रियर हुक वापस। तो पंच हुक पंच मारने के लिए आपने कोहनी को पैलर करना होगा, खूब सारे खिलाड़ी इस तरह पंच मारते हैं हुक को इस तरह, लेकिन मेरे हिसाब से एक्चुअली ये ओपन नजर आता है, आप स्लैपिंग कर रहे हैं और काफी हद तक स्लैप लगते भी हैं ये पंच, इसलिए आपको मेरी एडवाइस है कि आप जो है पंच को इस तरह हिट करें ना कि इस तरह, बाकी जैसा जिसको सुटेबल लगे। अगर मेरी तरफ से एडवाइस है, क्योंकि आपको रेफरी 100% आपको टूर्नामेंट्स में रेफरी आपको स्टॉप कर देगा अगर आप इस तरह पंच खोलते हैं, इस तरह खोलने से वो स्लैप नजर आते हैं और रेफरी उस पर पैनी नजर रखता है उन पंचेस पे, और काफी हद तक आपको रोक देता है, वॉर्न कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है आपको। तो हम क्यों ना शुरू में ही पंच को इस तरह लैंड करें ताकि जो है हमें कोई रेफरी रोक ही ना पाए पंच को मारने में। नकल पोर्शन ऐसी भी लैंड हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे भी लैंड हो सकता है, बट इसमें चांसेस है आपको स्लैपिंग के चांसेस ज्यादा है, ओपन पंच लगते हैं इसलिए आपको रोक सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप हुक को इस तरह मारें, पंच को ऐसा मार के ऐसे मारें, ठीक है। बाकी इसके जो कॉम्बिनेशन होंगे मैं कल बताऊंगा आपको इसी कॉम्बिनेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही, वीडियो आज की समाप्त करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।